आज के इस वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जो एनईपी वाले बच्चे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने जिन्होंने अपना मेजर पेपर जूलॉजी लिया है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने आज तक अभी तक पीवाईक्यू जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, उन सबको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और उनको देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिनके पास मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी है, उनके दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है आपका नॉन कॉर्डेटा इनवर्टिब्रेट और पेपर सेकंड है कॉर्डेटा वर्टिब्रेट। तो ये वीडियो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्या तो पहला है आपका नॉन कॉर्डेटा, पहला पेपर है नॉन कॉर्डेटा, जिसे इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन इन पैरामीशियम, ठीक है। नेम वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड द फैक्टर इफेक्टिंग इट। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। शॉर्ट नोट में बनता है आपका एंडोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, कप्पा पार्टिकल्स, बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम और ऑटोगेमी। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैनाल सिस्टम इन साइकन एंड गिव अ फ्लो चार्ट ऑफ वाटर सर्कुलेशन इन साइकन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैनाल सिस्टम इन साइकन। तो जो तीन क्वेश्चन हैं ये तो आपके बने प्रोटोजोआ फाइलम से, ये क्वेश्चन अब हम पोरीफेरा फाइलम में आ गए हैं, ठीक है। तो साइकन का कैनाल सिस्टम आता है, आपके कोर्स में सिर्फ साइकन है तो उसका कैनाल सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वाटर वर्क सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट भी पूछ सकते हैं और डिटेल में वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और कैनाल सिस्टम का इम्पोर्टेंस पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है, डिस्कस द एफिनिटीज एंड सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ स्पंजेस। नेक्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल्स फाउंड इन साइकन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइकन का, इसमें आपसे जितनी भी सेल्स हैं उनके बारे में पूछा गया है, जैसे कोएनोसाइट, पिनेकोसाइट्स। तो ये सेल्स के अलग अलग भी आपके शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में तो ये बनता ही बनता है। फिर नेक्स्ट है, गिव एन इलस्ट्रेट अकाउंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकन। नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्फी ब्लास्टुला लार्वा, गैम्यूल्स एंड स्पिक्यूल्स इन स्पंजेस। तो ये तीनों एम्फी ब्लास्टुला लार्वा, गैम्यूल्स और स्पिक्यूल्स ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। ड्रॉ अ फुल्ली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन स्पंजेस, ठीक है। स्पंजेस में कितने टाइप के कैनाल सिस्टम है वो पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, जिसमें आपसे साइकन का कैनाल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा में क्या पॉलीमॉर्फिज्म कैसे शो करता है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये निडेरिया भी कहते हैं इसे, सिलेंट्रेटा को आप निडेरिया भी आ सकता है। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑरिलिया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, व्हाट आर कोरल रीफ्स, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरिलिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में बनता है। नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एफायरा लार्वा। तो जितने भी लार्वीज हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, जितनी लार्वीज आपसे पूछे गई हैं तो वो वाइवा में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और यहाँ मेन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर ऑफ फेशोला, क्या। फिर है आपका, डिस्क्राइब द लार्वल फॉर्म्स ऑफ फेशोला हेपेटिका। तो जितने भी लार्वल फॉर्म्स हैं इसके, मैंने बताया आपको लार्वल फॉर्म्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सेपरेट भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि अलग अलग शॉर्ट नोट में आ जाए इसके लार्वल फॉर्म्स, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है, डिस्कस पैरासिटिक अडेप्टेशन इन हिड्यूनेरिया। फिर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेरिस एंड हेट्रोनेरिस, ठीक है। इसका भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें इसके नेरिस एंड हेट्रोनेरिस के साथ क्या पूछा जाता है कि इसका जो पैरापोडियम है, ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडियम ऑफ नेरिस एंड हेट्रोनेरिस, दोनों के बारे में भी पूछा जा सकता है।
तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को आप एक साथ मिलाकर बनाइएगा कि जब आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो पैरापोडियम को भी, दोनों का, नेरिस और हेटरोनेरिस के बारे में दोनों का पैरापोडियम भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द ट्रोकोफोर लार्वा एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ट्रोकोफोर लार्वा है तो लार्वा तो इम्पोर्टेंट है ही। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ नेरिस एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ हेटरोनेरिस। तो यही डिस्टिंग्विश वाला यही है, दोनों में से किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं वो देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन, ये और ये, इन तीनों को मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीके से इनका आंसर लिखा जाएगा। फिर है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेटामेरिज्म इन एनिलिडा। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ पेलेमोन। नेक्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ अपेंडेजेस ऑफ पेलेमोन एंड मेंशन इन ब्रीफ देयर फंक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनके अपेंडेजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी, और थोरेसिक और एब्डोमिनल, ये अपेंडेजेस अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, और ये एक साथ, तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेरी पैटस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन बनता ही बनता है क्वेश्चन पेपर में। फिर है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ पाइला, ठीक है, पैलियल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें पैलियल कॉम्प्लेक्स दिखाते हुए इसका डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है, गिव एन अकाउंट ऑफ टॉरिजन एंड डी टॉरिजन इन गैस्ट्रोपोड, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पाइला। फिर है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑस्फेरिडियम एंड रेड्यूला ऑफ पाइला। फिर है, डिस्क्राइब इन डिटेल द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ और एम्बलाक्रल सिस्टम ऑफ स्टार फिश। ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसे भी। ये भी मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है। फिश, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेडिसलेरिया, बाइपिनेरिया लार्वा एंड ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। तो ये दोनों लार्वीज हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टार फिश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतना ही आपने नॉन कॉर्डेट में पढ़ना है। और कॉर्डेट में क्या है, पेपर सेकंड है आपका कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट कहते हैं इसे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, अप टू क्लासेस ओनली। तो ये जो है, गिव आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ये मैंने इसका डिटेल वीडियो भी बना रखे हैं, और विद नोट्स आपको ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फिर इसके, ये जितने क्वेश्चंस हैं, इन सब के वीडियो मेरे चैनल पे वन बाय वन आते रहेंगे। इसमें से बहुत सारे हैं भी, तो आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा, उसमें विद नोट्स ये सारे वीडियोस हैं। दूसरा है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा एंड डिस्कस एफिनिटीज ऑफ बेलेनोग्लॉसस। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द एफिनिटीज ऑफ बेलेनोग्लॉसस ओनली विद कॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर भी जो एफिनिटीज हैं वो काफ़ी बार पूछी जाती है, एफिनिटीज काफ़ी टाइम इन्हें पूछा जाता है। फिर है, डिस्क्राइब द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेलो कॉर्डेटा विद स्पेशल रेफरेंस टू एम्फियोक्सिस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट है, मेक अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एम्फियोक्सिस। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेट्रोमाइजोन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टर्स एंड एफिनिटीज ऑफ जिम्नोफियोना और लिम्बलेस एम्फीबिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है और विद नोट्स है पूरा। राइट एन एसे ऑन पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी मेरे चैनल पे है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल एंड फिन्स इन फिशेज। राइट एन एसे ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेज। फिर है, डिस्क्राइब द पॉइजन एपरेटस ऑफ स्नेक एंड इट्स बाइटिंग मैकेनिज्म। राइट अबाउट एंटी वेनम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कुछ शॉर्ट नोट है जो आते हैं, जैसे एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स पे और पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बाइटिंग मैकेनिज्म एंड पॉइजन एपरेटस। राइट एन एसे ऑफ फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेटिटी एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। रेटिटी मतलब फ्लाइटलेस बर्ड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टेटिव रेडिएशन इन रेप्टाइल्स। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है डिस्क्राइब एक्वेटिक एडेप्टेशन ऑफ मैमल्स। तो कॉर्डेट्स में तो आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बस 19 टॉपिक हैं ना जो आपने कवर करने हैं, बाकी कॉर्डेट काफ़ी इजी है। तो अगर इनके सारे आपने वीडियो देखने हैं तो ये सब मेरे चैनल पे प्रोवाइड है आपको, विद नोट्स प्रोवाइडेड है।